Hello friends, my name is Ramit and you are watching channel EminencEdu. Today we are going to talk about how to get a permanent residency of Canada with low IELTS score. मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा major question है जो पूछा जाता है और maximum candidates जो Canada apply कर रहे हैं सब इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है. आज मैं आपकी इस problem को solve करता हूँ. Now, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर आपका IELTS score low है तो उससे आपके Canadian immigration का जो आपका profile है, जो आपकी application है, उस पर क्या effect पड़ता है. सबसे पहले इससे जो आपका CRS है वो low हो जाता है. Means अगर आपका CRS low है तो आपके जो invitation to apply के जो chances हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. Now, हमें ये देखना है कि इनकेस अगर आपको अपना CRS शूट करना है या आपको अपना CRS बढ़ाना है तो उसके क्या वेज हैं. सबसे पहला वेज, लेट्स से अगर आपने IELTS में अपना स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे या अगर आपको अपना IELTS का स्कोर नहीं समझ आ रहा कि कैसे बढ़ा जाए तो किसी जगह से ट्रेनिंग लीजिए या उसके बारे में प्रॉपरली थॉरो प्रिपेयर कीजिए. बिकॉज अगर आपका IELTS स्कोर हाई होगा तो आपके कैनेडा में इमिग्रेट करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे. Second thing, we always have an option to get a PNP, which is Provincial Nominee Program. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो Canada है पूरा country is divided into certain provinces. जैसे India different different states में divided है, ऐसे ही Canada different different provinces में divided है. जैसे Ontario, British Columbia, Nova Scotia, मॉन्ट्रियल, हर प्रोविंस के अपने एक डिमांड लिस्ट होते हैं, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको आपने फुलफिल करना है. एंड इन केस अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको पीएनपी अलॉट हो जाता है. पीएनपी सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 600 पॉइंट्स. लेट्स से अगर आपका स्कोर है 400, आपके लो IELTS स्कोर के थ्रू आपका जो CRS है वो 400 है एंड आपको पीएनपी नॉमिनेशन सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो इस पे 600 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, जिसमें जो आपका स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000. नेक्स्ट जो वे आउट है उसमें ये है कि अगर आप कुछ अपनी नेटवर्किंग से कोशिश कर सके कि कनाडा के अंदर जॉब स्कोर कर ले. इसके अगर लेट्स से आपके कोई नेटवर्किंग नहीं है, इसके एक और वे आउट है. कनाडा की खुद की एक गवर्नमेंट पोर्टल साइट है जिसका नाम है जॉब बैंक कनाडा. अगर आप उस पर अपना जाके प्रोफाइल बनाएंगे और एक्टिवली वहाँ जॉब को सर्च करेंगे तो देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयर्स हैं जो सर्टन स्किल्स को ढूंढ रहे हैं एंड इन केस इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, वहाँ से आपको एक जॉब ऑफर आ सकता है. इस जॉब ऑफर के आने के बाद आपका जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो ईजिली आपको मिल जाएगा. इसके बाद जो हेल्प होती है वो इसमें होती है कि लेट्स से अगर आप किसी को कनाडा में जानते हैं, लेट्स से आपका कोई ब्लड रिलेटिव या आपके कोई अंकल कनाडा में रहते हैं, तो वो आपको एडिशनल पॉइंट्स देता है आपके जो CRS प्रोफाइल होता है, यहाँ जो आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होता है उसके अंदर आपको इसके एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस की डिटेल्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कराइए. बिकॉज अगर आपके जो स्पाउस की डिटेल्स है, लेट्स से द स्पाउस इज़ वेल एजुकेटेड, उसने IELTS कंप्लीट कर लिया है और इसका आपने वेस्ट करा लिया है, तो ये आपको एक एडिशनल पॉइंट्स देगा. लेट्स से कहीं लोग कहते हैं कि हम अपने स्पाउस की डिटेल्स बाद में अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू दैट. गो विथ कि आप अपने स्पाउस की डिटेल्स अप फ्रंट ही अपलोड करवाइए, बिकॉज बाद में इसकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. Now the point which I'll be going to talk about, it's in the long run. अगर आप bachelor's के basis पर apply कर रहे हैं, try to get the master's degree done. Because अगर आपके पास MBA है या आपके पास कोई master's degree है तो Canada में उसके बहुत ज़्यादा weightage count करता है Canada और उसके बहुत ज़्यादा points होते हैं. Now friends, हमने ये देखा कि आपको कैसे Canada का PR मिल सकता है इनकेस अगर आपका low IELTS score भी है. यही कुछ टिप्स थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कनाडा का PR लेने के लिए अगर आपके पास लो IELTS स्कोर है तो आप कनाडा का PR फिर भी अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज चैनल EminencEdu. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉमेंट बिलो, और इफ़ यू नीड आर एनी पर्सनल हेल्प और यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग पर्सनली, आई विल ड्रॉप माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन एरिया, माई ईमेल एड्रेस, माई फोन नंबर्स, एंड यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद अस. डू हिट द लाइक बटन इन केस इफ यू लाइक एनीथिंग इन दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स एज वेल.